नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जागेश्वर धाम में, जहाँ शिव की जागृत अवस्था को देख के शंकराचार्य जी को शिव को चिन्हित करना पड़ा मंत्रोच्चारण द्वारा, ताकि भविष्य में यानी कि आने वाले कलयुग में लोग अनाप शनाप कुछ भी ना मांग लें उस जागृत शिव से। तो आइए लिए चलते हैं आपको ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम, जो आठवें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है और विश्व का अकेला ऐसा प्रांगण जहां 125 मंदिरों का समूह एक ही प्रांगण में स्थापित है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना ट्रेवलिंग पहाड़ी यूके, मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं आज अल्मोड़ा में, जो मेरा है डिस्ट्रिक्ट। मैं वैसे चौखुटिया का रहने वाला हूं, पर मेरा डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में मैं हूं आज सबसे प्रसिद्ध मंदिर जागेश्वर धाम, जो कहा जाता है ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल। सबसे पहला शिवलिंग अगर कहीं स्थापित हुआ तो उस जगह का नाम है जागेश्वर धाम, जो है अल्मोड़ा से 45 किलोमीटर आगे पिथौरागढ़ रोड पे। तो आइए आज आपको जागेश्वर धाम के बारे में वो सब कुछ रहस्य बताते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे इससे पहले। श्री जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग में दर्शन की एक प्रणाली है जो बोर्ड पर अंकित है, उसी हिसाब से जो भी श्रद्धालु जाते हैं उसी के अनुसार आपको दर्शन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और सबसे पहले ये प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही आपके सामने जो 125 मंदिरों के समूह का जो मेला आपको दिखाई देता है, अद्भुत देवदारों के वृक्षों से घिरा ये पूरा का पूरा पर्वत और बीच में ये 125 मंदिरों का समूह, ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में जो मंदिर जितना बना उसे वहीं उस कार्य को वहीं समाप्त करके उसे छोड़ दिया गया। तो आप जो छोटे बड़े अलग अलग भिन्न प्रकार के मंदिर हैं, एक ही रात में ये सारा तैयार हुआ है, ऐसा वहाँ के लोगों का बताना है, ऐसा सबका मानना है जागेश्वर धाम में। और इनकी अभूतपूर्व कला नक्काशी तकरीबन सबकी बहुत हद तक बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी। और एक रात में अगर इतना कुछ हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि कैसा वो समय रहा होगा, क्या उनकी कार्य करने की प्रणाली रही होगी कि इतना अद्भुत काम एक रात में किया जा सकता है। और मंदिर के गर्भगृह की फोटो खींचना पूरी तरह वर्जित है। तो आइए बाहर से शुरू करते हैं। ये दोनों तरफ द्वारपालों की प्रतिमाएं जो बनी हुई हैं, बहुत ही अद्भुत और शायद ऐसी कला आज के समय में ना देखने को मिलती हो, पर अभूतपूर्व, आप देख के ही इसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ये है मेन अंदर जागेश्वर धाम, जिसकी सबसे पहले दर्शन की जो प्रणाली है, परिक्रमा का स्वरूप है, उसके हिसाब से सबसे पहले आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं वहाँ पे, उसके बाद दक्षिणमुखी हनुमान जी के, जहाँ मैं अभी आपको ले चलूँगा और बात कराऊँगा वहाँ के पंडित जी से, कुछ सुनेंगे जो जो उन्होंने कहा इसी ब्लॉग में। तो ये है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम, जो आठवां ज्योतिर्लिंग माना जाता था, फिलहाल इसे ज्योतिर्लिंग की श्रेणी से बाहर रखा गया है, मुझे नहीं पता क्यों, पर पहला शिवलिंग, विश्व का पहला शिवलिंग यहीं माना जाता है। ये जागेश्वर धाम है, यहाँ पे कुल 125 मंदिर का समूह है, जिनमें 108 मंदिरों में शिवलिंग है और 17 में अनि देवी देवता है। ये मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें आठवें नंबर में आते हैं नागेश्वर द्वारका बने, दूसरे नंबर में यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तीसरे नंबर में पुष्टि माता जी हैं, चौथे नंबर में महामृत्युंजय भगवान है, पांचवें नंबर में केदारनाथ जी हैं। यहाँ पे जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम इसलिए पड़ा, यहाँ पे शंकर भगवान जागृत रूप में थे, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में आने वाले टाइम में अपने भविष्य अपने स्वार्थ के लिए आदमी कुछ भी मांग सकता है, तो उन्होंने अपने मंत्र द्वारा किलित कर दिया गया है। तो यहाँ पे नागेश्वर द्वारका बने इसलिए कहा जाता है, भगवान शंकर का नाम नागेश है और यहाँ पे 3 किलोमीटर के ये दायरे में यहाँ द्वारका बन है। देवद्वार का ये घना जंगल है, संस्कृत में इसको देवद्वार को दारुक बोला जाता है, दारुक माने देवदार, वन माने जंगल, नागेश इनका नाम है। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके,
तो उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पे भगवान गणेश जी का भी ये पेड़ में आपको पेड़ सामने पेड़ दिखाई देगा, उनमें मूर्ति बिल्कुल नजर आएगी। और केदारनाथ जी के साथ में वहां पे आधे में शंकर भगवान है, आधे रूप में माता पार्वती जी, उस पेड़ की भी मान्यता है। जय भोलेनाथ। तो ये है जिसमें पंडित जी ने अभी बताया, जिनमें गणेश जी के दर्शन होते हैं, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने। और ये है शिव पार्वती जी का वो वृक्ष जिसे उनका स्वरूप माना जाता है, नीचे जड़ में एक और धीरे धीरे अलग होता है ये स्वरूप साथ में, यही इस पेड़ की वृक्ष की मान्यता है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर यहाँ तक आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखने से पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ साथ शेयर करना ना भूलें कम से कम अपने एक दोस्त को या एक रिलेटिव को जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और चाहते हो कि भोलेनाथ की कृपा उस पर बनी रहे। और आइए बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में आगे एक और भी जानकारियों के लिए। और मंदिर के बराबर से ही बहती है जटागंगा। हाँ जी, इस नदी का नाम है जटागंगा। और कल कल करता है इसका स्वर, मधुर स्वर, आसपास का भाव विभोर कर देने वाला वातावरण और सुंदर देवदार के वृक्ष इस झलक को और अति सुंदर बना देते हैं। आइए देखते हैं, लेते हैं इसकी एक झलक। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, गर्भगृह की फोटो किसी भी मंदिर के लेना वर्जित है, जो 5-6 बड़े मंदिर हैं। तो सामने है महामृत्युंजय मंदिर, जो केवल विश्व में एक ही मंदिर है। और महामृत्युंजय के बारे में जैसा आप जानते होंगे कि महामृत्युंजय जाप अकाल मृत्यु से जो बचाता है वो है महामृत्युंजय जाप। और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर, जिन्हें महामृत्युंजय के नाम से भी जाना जाता है। तो सामने नंदी जी जो भी मैंने आपको दिखाई, और इस मंदिर की भी भव्यता और विश्व में केवल एक ही मंदिर का गौरव इसे प्राप्त है, महामृत्युंजय मंदिर, और कहीं आपको विश्व में नहीं है। और जैसा कि आपको पहले बताया गया था, इसमें 108 मंदिर ऐसे हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित है। तो ये वो छोटे छोटे और बड़े मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनमें शिवलिंग स्थापित है, सिर्फ शिवलिंग, और बाकी और भी देवी देवता अन्य मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे कुबेर जी, गणपति जी, पुष्टि माता, हनुमान जी, इस तरह के अन्य मंदिर जिनमें अन्य देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं। और नक्काशी और इनके बनाने का तरीका आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, कितना सुंदर, कितने पुराने समय में कितनी भव्यता से ये सब कुछ बनाया गया है। अगर जागेश्वर मंदिर की उत्पत्ति की बात की जाए तो लोग ऐसा मानते हैं कि 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। और जागेश्वर धाम के बारे में यह भी माना जाता है कि सप्त ऋषियों ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की, भगवान शिव ने भी यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की इन्हीं देवदारों के वनों में बैठ के, यहाँ ये मंदिर इस समय स्थापित हैं। जागेश्वर धाम अगर निर्माण के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लगभग मिलता है कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल के बहुत सारे मंदिरों से, और केदारनाथ से मंदिर की शैली जो है बिल्कुल समानता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केदारनाथ मंदिर आपको बिल्कुल जागेश्वर धाम मंदिर की तर्ज पर ही बना हुआ दिखेगा। यूँ तो आप वर्ष भर जागेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकने कभी भी जा सकते हैं, पर अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर बेस्ट सीजन होता है यहाँ जाने का, जब आपको नज़ारे भी बहुत अच्छे मिलेंगे और बरसात लगभग ख़त्म हो चुकी होगी सितंबर तक। और दोनों ही समय आपको एक तो क्लाइमेट अच्छा मिलेगा, साथ में कोई जो सड़क समस्याएं होती हैं पहाड़ में वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर आप कभी भी जा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, जैसी श्रद्धा,
आप पूरे सीजन पूरे वर्ष जागेश्वर धाम में जाके दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। यह मंदिर सभी के लिए हमेशा खुला है और यहाँ हमेशा हर मौसम में यात्री पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं बाबा केदार बाबा जागेश्वर के दर्शन करने। और दो समय पे यहाँ मेला भी लगता है, शिवरात्रि में और सावन मेला जो यहाँ बहुत फेमस है। तो ज़रूर आइएगा जागेश्वर धाम। और ये है दक्षिण मुखी, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी, हनुमान जी है। और ये भैया रेगुलर आते रहते हैं यहाँ, तो भोलेनाथ का बुलावा है यहाँ, हनुमान जी का बुलावा है, हम आते रहते हैं। तो अगर आपका भी मन है जाने का तो भगवान से कहिए कि हमें भी बुलाएं जागेश्वर धाम। और अभी आपको मैंने दर्शन कराए जागेश्वर धाम के, अब आप समझ गए होंगे कि जागेश्वर धाम ही वो धाम है जो पहला शिवलिंग है धरती पर। और मेरे द्वारा इस ब्लॉग में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा ये वीडियो बना। और इन्हीं सुंदर खूबसूरत नज़ारों के साथ, नीला आसमान, ये ग्रीनरी पूरी की पूरी चारों तरफ, और मार्केट से गुजरता हुआ मैं आपका अपना ट्रेवलिंग पहाड़ी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।